भाजपा और कांग्रेस में जुबानी जंग छिड़ी हुई है, बार पलटवार किए जा रहे हैं। कांग्रेस प्रेस वार्ता करती है तो भाजपा भी उसका जवाब प्रेस वार्ता के माध्यम से देती है। वहीं शहरी कांग्रेस ने मिनी सचिवालय में ज्ञापन सौंपा और मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की तो उसके जवाब में सोलन भाजपा ने भी उपायुक्त सोलन केसी चमन को ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन के माध्यम से सोलन के विधायक धनीराम शांडिल को घेरने का प्रयास किया। ये ज्ञापन मंडल अध्यक्ष मदन ठाकुर की अध्यक्षता में सौंपा गया। इस मौके पर भाजपा नेता भरत साहनी, नरेश गांधी, धर्मेंद्र ठाकुर मौजूद रहे। मदन ठाकुर कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि शूलनी शोभा यात्रा के दौरान सारा सोलन सरकारी नियमों का पालन कर रहा था, लेकिन सोलन के विधायक नियमों की उल्लंघना कर VIP कल्चर दिखाते हुए मंदिर में माता के दर्शन करने पहुंच गए थे, जो सरासर गलत है। सोलन मंडल अध्यक्ष मदन ठाकुर ने रोष जताते हुए कहा कि शूलनी माता की शोभा यात्रा के दौरान जिला प्रशासन द्वारा धारा 144 लगाई गई थी और किसी का भी मंदिर में प्रवेश वर्जित था, लेकिन उसके बावजूद भी सोलन के विधायक अन्य लोगों के साथ मंदिर में आए, जो सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि सोलन के विधायक ने धारा 144 की उल्लंघना की है, इसलिए वे चाहते हैं कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति सरकारी नियमों की उल्लंघना न करे। उन्होंने पूछे गए सवाल में ये भी कहा कि सोलन की जनता हो या जो भी व्यक्ति नियमों की उल्लंघना कर मंदिर में माथा टेकने के लिए आए थे, उन सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। 19 तारीख को माता शूलनी का मेला था और यहाँ पर प्रशासन ने धारा 144 लगा रखी थी कि कोई भी व्यक्ति बाहर ना निकले माता के दर्शन के लिए, और कोरोना की महामारी के कारण धारा 144 का उल्लंघन करते हुए हमारे माननीय सोलन विधानसभा क्षेत्र के विधायक और उनके साथ कुछ लोग थे, जो 144 का उल्लंघन करते हुए उन्होंने माता के दर्शन भी किए और कानून का उल्लंघन भी किया है। इसके संदर्भ में हमने आज माननीय जिलाधीश महोदय जी को ज्ञापन दिया है कि जिन लोगों ने 144 धारा का वायलेशन किया है, माननीय विधायक जी और कुछ लोग, उनके विरुद्ध जो है वो कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी कोई जो है दोबारा 144 की जो हमारी धारा है उसको कोई उल्लंघन ना करे। इस के लिए हम आज हमने DC साहब से भी मिले हैं और ज्ञापन भी दिया है, और उनके विरुद्ध प्रशासन सख्त कार्रवाई करे, ऐसा हमने उनसे आग्रह किया है। 20 तारीख को मेले के दौरान जो यानी कि लोग भारी संख्या में वहाँ पर मौजूद थे, 8 बजे से लेके रात्रि 10 बजे तक, और उसी बीच बहुत से व्यापारी भी थे और साथ ही साथ कुछ प्रतिनिधि भी थे, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी? 20 तारीख की हमें जानकारी नहीं है, हमें तो सिर्फ 19 तारीख की जानकारी है, उसी संदर्भ में आप हम उनसे मिले। यहाँ तक की तस्वीरें भी मौजूद हैं और वायरल भी हुई हैं तस्वीरें, क्या कहेंगे? देखिए, कानून से ऊपर कोई नहीं है, अगर ऐसा होगा तो प्रशासन उनके विरुद्ध भी कार्रवाई करेगा।